भाई हमारी रील शूट हो रही है इनके लिए। नारियल जा रहे हैं, उतार लेते सर। बाइकर जा रहा भाई। ओ भाई साहब, ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाके देखते हैं कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। मॉर्निंग गाइज, आज दिन की 12 बज चुकी है, मतलब 1 बज चुकी है और धूप है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप सभी का स्वागत है फाइनली नए ब्लॉग के साथ। क्योंकि कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया था, रीजन बहुत ज्यादा हेक्टिक था इसलिए ब्लॉग नहीं किया। आज मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, किसके साथ जा रहा हूँ आपको दिखाते हैं। अभी आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ की पूड़ी देखो आप, पूड़ी भाजी बोला मैंने, भैंस की यहाँ 3 पूड़ी मिली, बैंगलोर लंच हो जाएगा इसमें तो ऐसा लग रहा है। अपना ब्रेकफास्ट और कॉफी खत्म हो चुकी है और जो अपना राइडर है जिसके साथ मैं जाने वाला हूँ वो भी आने वाला है, बोला 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। बस बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठ के जाएंगे, और पहले भी उनके साथ गया हूँ तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं मिलवाता हूँ और चलते हैं, मतलब बैंगलोर चलेंगे घूमते घूमते। आज मस्त घूमने का मूड यहाँ पे भी था, बट यहाँ मतलब मेरी कोई जान पहचान है नहीं और कोई जानता नहीं, इसलिए घूम नहीं पाया मैं। लोकल घूमना था और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी नेक्स्ट ईयर आएंगे तब घूमेंगे अच्छे से, या फिर कभी और प्लान करके आएंगे। यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला घूमने के लिए अच्छी जगह है, बट अभी नहीं घूम पाए, नेक्स्ट ईयर पक्का घूमेंगे। ये देखो भाई, ये गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, आज तो न्यूज़ में पेपर में आया हुआ है। बढ़िया बढ़िया भाई साहब, मैंने देखा सुबह से और गाड़ी आ चुकी है। कैसे हो सर? सर शायद कॉल पे रहेंगे। कैफे है बोला के कुछ खाने के लिए रुकेंगे, तो यहाँ प्यारा सा कैफे है भाई, बहुत प्यारा, और कुछ ऐसा मैप बना हुआ है तो यहाँ पे कॉफी वगैरह है, मतलब प्रॉपर, और कुछ ऐसा सेटअप है, और ये प्यारी सी गुप्पर टाइप की मेरे को लगी, अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलते हैं अंदर। सर ने बोला यहाँ पे कुछ अच्छा सा खाते हैं भाई साहब। कितना प्यारा सेटअप है यार, एकदम मतलब प्यारा लगा भाई मेरे को ये सेटअप। पहली बार मैं तो यहाँ पे आया हूँ, और भाई कॉफ़ी का मतलब अलग अलग, यहाँ पे बीन्स है, सब कुछ अलग अलग है सारा कुछ, और हम कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी। रसमलाई लग रही है बट कुछ पेस्ट्री टाइप का था, खानी थी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कुछ नया। यहाँ आया है तो कुछ तो ट्राई करना पड़ता है ना, मतलब अलग अलग। ये कॉफ़ी का भाई अलग लेवल पर ना, ये पूरा का पूरा एक जार लेके खड़े हैं भाई। हमारी रील शूट हो रही है इनके लिए। हमें बोला जगह अच्छी है, बहुत पेड़ वेड़ थे, तो मैंने कहा एक रील तो बनती है, कुछ नया ट्राई करते हैं, मैंने कहा नया नया कुछ होना चाहिए। केले भी लगे भाई, प्यारा ये पूरा उठा के बेच देंगे, पैसे बना लेंगे। हमारी रील शूट होके हम वापस गाड़ी में बैठ गए, शूट कर लिया, फोटो वोटो खींच ली बढ़िया, अभी एडिट करके अपलोड होगा, देखना आप जाके मस्त। चैंपियन की ट्रॉफी, उतार लेते सर, का टोकरी होता है ना पूरा पकड़ के पूरे उतार लेते हैं, अगली रेस में पीने के लिए काम आ जाएगा नारियल पानी। ओके अभी चलते चलते कहीं हाईवे पे, बढ़िया कुछ खाने के लिए। सर ने यहाँ पे पहले वो ऑलरेडी खा रखा है कुछ ना कुछ, तो ट्रैवलिंग जब भी करते थे तो यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है, तो क्या यहीं रुकते हैं कुछ खाते हैं, चाय वाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा भाई। मतलब बस में जाने से अच्छा था, मेरे को गाड़ी में जा रहा हूँ उनके साथ में, और देखता जा रहा हूँ, आपको ब्लॉग में दिख रहा है कि मैं कितनी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे लोकल्स कुछ है चीज़ें यहाँ की, ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा है यहाँ का सीनरी, बहुत अच्छा, मतलब अब कह रहा है, मतलब नारियल ही नारियल चारों तरफ, नारियल के पेड़ ही पेड़। मैंने पाव भाजी बोली और कॉफ़ी बोली है, सर तो स्टार्ट हो गए, सर ने और हम पाव भाजी, और उनका अलग कुछ सिस्टम आ रहा है कुछ अलग ही, यहाँ का जो फेमस है ना वो वाला आ रहा है, जिसमें तो पाव भाजी बाद में देखेंगे क्या होता है। हमारी दूसरी कॉफ़ी है सर की, और मेरी दूसरा राउंड है कॉफ़ी का, है ना दूसरा राउंड है ना सर, कॉफ़ी इतनी टेस्टी कि हमने दूसरा राउंड मंगा लिया। बाइक ऐसे कुछ लगी हुई है, सारा सामान रखा हुआ है, बाइक भाई फिक्स करी हुई, हिलती भी नहीं है, बाइकर जा रहा भाई। ओ भाई साहब, अब हम निकल रहे हैं बैंगलोर की ओर, भाई पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। भाई ये क्या चीज़ है, ओके यहाँ पे मार्बल का सारा कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ है जो सारा लोकल काम होता है, तो उसके लिए भाई बनवा के लेके जाते हैं लोग यहाँ से। पीछे क्या वेदर हो रखा है, एक नंबर। और यहाँ पे बैठे भैया नारियल वाली, हम बैठे गाड़ी में, बहुत प्यारा पहाड़ लग रहा है, सर ने स्पेशली रोक के मेरे को बताया ऐसा ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो हम रुके हैं, और ऊपर जाने के लिए रास्ता है यहाँ से, देखते हैं। हाँ भाई साहब, हमने सोचा भाई ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाके देखते हैं, कुछ अच्छा सा व्यू पॉइंट है ना, वाह सर वेरी गुड सर, कुछ नई चीज़ देखने को मिली। ओ नीचे से ट्रेन भी जाती है इसके, नीचे ट्रेन। ओ भाई साहब, ऐसे ट्रेन भी निकलती नीचे से फ्लाईओवर, ऊपर जाने के लिए तो रास्ता नहीं है लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, बाइक निकाल के जा सकते हैं, ये पॉइंट है, फिर राइडिंग गियर भी पहनना पड़ेगा, नहीं फुल पावर
ये भाई बोलने लगे बढ़िया, ये सही लगा, थोड़ा थोड़ा मतलब फ्रेंडली होने लगे कैमरा के साथ में, ये अच्छी बात है, होना चाहिए मतलब। ओ भाई प्यारा सा छोटा सा मंदिर है। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ, प्यारा सा छोटा सा मंदिर लग रहा है। हाँ प्यारा लग रहा है, ये पूरा पहाड़ी है पत्थरों का और अलग से ही रखा हुआ जैसे इतना सा प्यारा मंदिर देखा पास में आके देखा, वो यहाँ पे शेर का मूर्ति बना प्रॉपर, मतलब कितनी प्यारी मतलब वो डिजाइन हो रखी है। और हम अभी इसके आगे जा रहे हैं और ये यहाँ का फेमस मंदिर लग रहा है क्योंकि ना अंदर जाने के लिए वो बना रखा है, प्रॉपर बैरिकेड वगैरह कर रखा है, भीड़ हो गई तो भीड़ को आराम से कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत अच्छा लगा, 100% यहाँ पे भीड़ होती होगी तो इसीलिए एक बढ़िया सी फोटो खींचेंगे यहाँ पे और फिर जाएंगे। बहुत सही लग रहा भाई, प्यारा आगे से एक नंबर, क्या प्यारी डिजाइनिंग कर रखी है भाई साहब। चुम्मे सॉरी, और पेड़ देखो भाई, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे स्पेशली, और ये भाग रहे यहाँ पे, मस्त लग रहा भाई व्यू। अंदर जाके देख के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, जो भी होगा माथा टेकना बनता है, आए हैं तो सर टेक के आते हैं, ऊपर वाले की मर्जी, बाकी देखा जाएगा है ना। सारा दिए लगा रखे हैं, फेस्टिवल था कोई यहाँ पे अभी हुआ है भाई, प्यारा लग रहा है अंदर से, अलग भाई उस है पॉजिटिव एनर्जी वैसा वाला फील। फटाके भाई कितने प्यारे लग रहे, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे भाई, चेक करो। कपड़ा ही भाई फटाके छूट रहे तकड़े, बहुत तकड़े भाई, ये पता नहीं क्या ही अलग लेवल पे भाई फटाके यार, ये कुछ अलग लेवल पे फटाके ना भाई साहब, कुछ तो फेस्टिवल था यहाँ पे ना। तो भाई ये सर जा रहे हैं यहीं पे, मैं जा रहा हूँ बैंगलोर सिटी में। ओके सर, कल मिलते हैं अपन, बाइक लेके आओगे ना आप गैरेज पे, ठीक है ओके बाय बाय सी या, मिलते हैं भाई। अपन बस पकड़ेंगे और यहाँ से बैंगलोर, यहाँ से बैंगलोर वैसे 50 किलोमीटर है, टाटा। यहाँ पे आ रही बारिश बैंकर वाली, चेक करो बैंगलोर में लोग भीग रहे हैं और हम बस में जा रहे हैं, ये चेक करो इसके यहाँ बारिश आ गई, क्या करें हम, ये चेक करो पूरा बस स्टैंड है पीछे, वहाँ से उतर के मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने कैब बुक करी जहाँ पे अपने को जाना है, वो कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर है और कैब का फेयर थोड़ा सही दिखा रहा है, ऑटो वाला बहुत पैसा मांग रहा है, तो इसलिए कैब करके अपन जा रहे हैं। अभी तक पीजी वीजी कुछ भी होटल वोटल नहीं देखा है, वहाँ पहुँच के देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, और रात की 10 बज चुकी है, पहुँच गए फाइनली बैंगलोर, अभी चल के देखेंगे जो भी होगा देखा जाएगा। अगर चलते हैं यहाँ से एटलीस्ट उस जगह पर पहुँचते हैं गैरेज के आसपास, वहाँ पर पीजी मिल जाएगा। तो भाई कैब वाले भैया आ गए, अभी इनके साथ में अपन जा रहे हैं जहाँ पे अपने को जाना है उस लोकेशन पे, और उस लोकेशन पे जाके देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, पता चलेगा आप लोगों को बता देंगे। बट फाइनली बैंगलोर जो पहुँचना था वो पहुँच गए, थोड़ा स्ट्रगल तो होता ही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम मैनेज नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं। स्टिल अभी हम जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि लॉज मिले, हॉस्टल मिले, जो भी मिले एटलीस्ट आज के लिए मिले, कल देखा जाएगा, चलते हैं अभी। और भैया से थोड़ी जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में, तो भैया अभी बताएंगे अच्छे से क्योंकि भैया को हिंदी अच्छे से आती है, तो वो सबसे बड़ा ज़रूरी काम है, हिंदी आना यहाँ पे बहुत मतलब मुश्किल काम है, भैया को हिंदी आती है तो भैया से बात करेंगे, जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में, थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। भाई साहब बार बारिश आ रही भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई है और हम भैया के साथ काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, तो बातें भी चल रही है और बारिश हो रही भयंकर बार, चेक करो पता नहीं अब क्या होगा भाई, जा रहे हैं 10 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पे ऐसी बारिश हुई थी बस एक जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं स्टिल एटलीस्ट एक जगह तो पहुँचते हैं। ओके भैया मिलते हैं, टाटा। अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और भाई बाहर बारिश आ रही बैंकर, बट स्टिल इस एरिया में पीजी बहुत है, तो अभी अपन बाहर वेट करेंगे और ढूंढेंगे पीजी और फिर स्टे करेंगे, बट एटलीस्ट अभी बाहर जा रहे हैं, भैया की नेक्स्ट ड्यूटी आ चुकी है तो नेक्स्ट ड्यूटी पे जाएंगे, हम निकलते हैं भाई बारिश में बाहर, बैंगलोर की बारिश स्वागत कर रही है भाई फाइनली। भाई बाहर बारिश हो रही है भयंकर वाली, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चेक करो, और लाइट चली गई इस एरिया की और ऊपर से। भाई ये कुछ पीजी है अपना, रात को अपन यहाँ पहुँच गए थे, मतलब 1 बजे पहुँचे थे, बारिश हो रही थी, अंदर घुसे वहाँ से अंदर घुसते पीजी मिल गया और अपन सो गए, मस्त सोए, उठे अभी नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे और गैरेज जाएंगे, बाइक देखेंगे, बाइक का काम करवाएंगे, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। अभी बैंगलोर है 4 दिन, 5 दिन बैंगलोर है, तो बैंगलोर की जर्नी आपको देखने को मिलेगी। ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, चैनल पर नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करके जाना, कमेंट जरूर करना, आपका भाई मेहनत कर रहा है, 100K सब्सक्राइबर कराना जल्दी प्लीज़, 100K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा करते हैं, फैमिली बनाते हैं बड़ी।
में भी कुछ आगे और होगा, तो प्लीज़ गाइस 100K की सब्सक्राइब फैमिली बनानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा सपोर्ट करना। ओके गाइस, बाय बाय, खम्मा वेनी एंड राम राम सभी को, दिल से शुक्रिया।